चलो हम लोगों ने 3.2 का इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया था, ठीक। अब इन पे लेकिन आपने एक चीज दीपेश ये नोटिस किया होगा कि अगर इंट्रो पार्ट में हम लोग इतना कवर कर लेते हैं कि आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, पक्की बात है ना। अगर आप इंट्रो पार्ट देख लो बढ़िया तरीके से 20-25 मिनट का, फिर उसके बाद आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। बट आज के टाइम के बच्चे लोग थोड़े से डिफेक्टिव हैं, वो सीधे जाते हैं सॉल्यूशन पे। मैंने कई बार बच्चों को देखा है बोलते हुए एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन छोटे छोटा, मतलब उनको हर चीज़ में हर चीज़ बहुत जल्दी से चीज़ें हो जाएं, जल्दी से नहीं होता यार, समझो आप। तो चलो भैया कह रहे हैं कि और भी क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 हैबिट में लेके आएंगे। मैं कॉपी चेक करूँगा, मार्क्स काटूँगा आप लोगों की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सॉल्व करने गए बाद में ना वाई बचा ना एक्स बचा, फिर आप कहोगे नो सॉल्यूशन। एक बार आपने सॉल्व किया आप प्रूफ कर दोगे -4 = 0, फिर आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। आपने प्रूफ किया, आपने प्रूफ कर दिया 1 = 1 और कितना प्राउड फील करोगे, आंसर होगा मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये नहीं, पहले से ही चेक कर लेते हैं और ये सही भी चीज़ रहती है, पहले से ही चेक कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन में करके बताऊँगा, जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है, a1 b1 c1 फाइंड करें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बोलना मत भाई साहब, प्लस का 40 इधर आएगा 0 हो जाएगा। अगर बात से बात करूँ a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। a1 की वैल्यू क्या होती है, जो x के आगे लिखा होता है, x के आगे क्या है 1, y के आगे क्या है 1 और ये -40, ठीक है भैया। a2 1 और -1 और अब इनका डिवाइड करो, a1 upon a2 1 upon 1 और b1 upon b2 क्या है 1 upon -1, क्या दोनों बराबर है, नहीं, ये 1 है ये भी 1 है लेकिन ये नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे a1 डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तो इसके क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, कि अब हमको पता है इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्लियर है। अब आप ये बस सोचना कि सर हम कितनी बार चेक करें, बोर्ड में एक ही तो क्वेश्चन आएगा, सारा 80 नंबर का इससे तो आएगा नहीं, एक क्वेश्चन आएगा चेक कर लेंगे आसानी से, क्या ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर क्या कहते थे, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, चलो मैं सूरज को पकड़ता हूँ, मतलब इक्वेशन सूरज बताओ कौन सी पकड़ूँ, पहले वाले, दूसरे में क्या दिक्कत थी, कोई सी भी ले लो। तो पहले को हमने लिया, पहले से एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वाई इधर जाएगा तो क्या होगा 14 माइनस, अब जो ये एक्स की वैल्यू निकल गया ये सूरज डूबा है, ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना, कि फर्स्ट से निकाल लिए पुट किस में करेंगे सेकंड, तो सेकंड में जहाँ एक्स है उसकी जगह 14 माइनस वाई पुट कर दो, भाटी लुक फॉरवर्ड, जहाँ x है उसकी जगह 14 माइनस वाई पुट कर दो। तो चलो x की जगह क्या पुट करेंगे, ये तो मैंने x की जगह पुट किया, बाकी सब ऐसे चेप दो, क्या चमका, हाँ सूरज 14 माइनस वाई का आंसर क्या है बेटे, और माइनस वाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये 14 है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटे, माइनस का, तो 4 - 14 माइनस का 2 = -10, 2 का इधर क्या होगा डिवाइड, तो 10 upon 2 5 वाई की वैल्यू, अब वाई की वैल्यू 5 निकल के आ गई, हमसे एक्स की भी पूछी थी, तो ये जो वाई की वैल्यू है उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, आंसर तो एक ही आएगा। तो सपोज मैं यहाँ पुट करता हूँ अगर वाई की जगह 5, तो 14 में से 5 गया तो क्या बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई डियर 9 और y की वैल्यू, दिस इज योर आंसर। जिस बालक को डाउट है वो डाउट बताए अपना, सर ये चीज़ कम समझ आई, बताओ चेक करना है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद पक्की बात है, नहीं इसके लिए आप एक घर से लेके जाएंगे रफ कॉपी,
चेक करने यार भाई दिखा दो कौन सा तुमने गलत काम किया है कि ये शर्म वाला काम किया तुमने, उनको दिखाओ। टीचर को जब आप ये दिखाते हैं हाँ हमको डीप में नॉलेज है तो टीचर अप्रिसिएट करेगा और पूछेगा अभी कहाँ से पढ़ के आए हो। ठीक है, ये कौन सी बात है कि सर इसको कॉपी के पीछे दिखाएं ये हथेली पे लिख के मार दें तो चिपक जाए, ये कौन तरीका है? आप उससे प्राउडली उनको दिखाओ हाँ हमने चेक किया ये ना। चलो अच्छा अब इस पे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमेशा आपको ये अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने, मुझे अच्छा लगा। क्यों? बच्चों के दिमाग में ऐसा लगता है दुनिया में दो ही वेरिएबल एक्स और वाई, वो एस और टी जैसे ही दिखाई दिए उनको लगता है कॉन्स्टेंट है ये, तो ऐसा नहीं है। वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स है ना, कोई से भी हो सकते हैं। तो अब लेकिन सुनो यहाँ पे क्या भाटी अलग क्या है, नीचे थ्री और टू लगा दिया है, इससे बच्चे छोड़ जाएंगे इसको कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा नहीं है, हम इस पर क्या लेंगे पहले इनको एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया? सिक्स। क्या जमगा? थ्री टू जा सिक्स, टू का मल्टीप्लाई एस में टू एस प्लस टू थ्री जा सिक्स थ्री टी, सिक्स का सिक्स के साथ मल्टीप्लाई तो क्या होगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू। तो ये जो इक्वेशन थी उसको हम ये भी लिख सकते हैं भैया, और दूसरी इक्वेशन ये ले लो s माइनस टी। ये हमारे पास दो इक्वेशन भैया मिल गई आके, पक्की बात है, ठीक है ना सर। चलिए अब वही चेक करने वाला, ये 30 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, ये 3 जाएगा किसका हो जाएगा। अब चेक करो a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 क्या होता है, a1 की वैल्यू बताओ, बोलो ना। बहुत सही, ये लड़का सही जा रहा है। बी वन थ्री और सी वन, ए टू वन, बी टू माइनस वन, सी टू। अब देखो ये ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन, ये टू अपॉन वन है, ये थ्री अपॉन माइनस वन है, क्या बराबर है? नहीं बराबर है। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो भैया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन तो बस किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो। सपोज मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो s बराबर क्या होगा, t उधर जाएगा 3 प्लस। अब यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, देखो क्या कि सर ये जो s की वैल्यू है ये हम इस वाली इक्वेशन में पुट करें या हम इसमें पुट करें, दोनों हैं तो एक ही, किसी में भी आप पुट करो। ठीक है, तो सपोज मैं इस वाली में पुट कर देता हूँ, इस वाली, तो s की जगह क्या पुट करना, 3 प्लस टी। तो देखो कितना सिंपल है एक चीज़, कुणाल एस की जगह पे 2 तो है ऐसी चेप दो, एस की जगह क्या पुट करना है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। क्लियर है दीपेश? ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 3 जा और 2 का टी में 2t, ठीक है। अब 2t प्लस 3t जुड़ी टी तो क्या हो गया 5t, और 6 माइनस 30 से माइनस का माइनस 30 उधर जाएगा तो टी की वैल्यू 6। अब टी की वैल्यू 6 आ गई, हमसे एस भी यहाँ रख दो टी की जगह 6, तो 6 प्लस 3 तो एस की वैल्यू कितनी आ गई भैया, तो एस की वैल्यू 9 और टी की वैल्यू क्या चमका, क्या थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ? अगर लग रहा है आपको कौन यहाँ भी आ गई है, सीरियसली छोटी बड़ी है, चलो कोई बात, मैं तो गाना भी नहीं गा रहा, चल छोड़ चलो। अच्छा एक ही बताओ, क्या फास्ट समझा रहा हूँ? पहले तो समझा नहीं रहा हूँ, दूसरा अगर लग रहा है इसका तो आपने इंट्रो पार्ट नहीं देखा ना, इंट्रो पार्ट में बहुत डीप में एक बात समझाता हूँ मैं, क्यों तुम्हें आ रहा था नहीं समझ में, तने तुम्हें हो ना पीछे विदुड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो 3 है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो चलो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू माइनस वन, c1 की वैल्यू 2 9। बात नहीं करो यार, अब करो डिवाइड a1 अपॉन a2 तो 3 अपॉन 9 कितना आएगा 1 अपॉन, अब करो b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल, c1 अपॉन c2 ओ माय गॉड सब बराबर आ गए। तो देख लो भैया जब तीनों बराबर आ गए
तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यस और नो? तो जब कही तो यहाँ फायदा मिला ना हमको चेक करने का, क्यों यहाँ फायदा मिला ना? अब तुम कहोगे सर दो में तो नहीं मिला। अरे यार बोर्ड में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, बोर्ड में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तुम कहोगे सर दो में तो आपने किया भी, बाद में सॉल्व भी करना पड़ा, यहाँ फायदा मिला, बोर्ड में क्या पता कौन सा आ जाए फिर। खैर ठीक है, तो ये तीनों बराबर आ गए, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, और तीनों आपस में क्या आ गए डियर? जब ये तीनों आपस में इक्वल आ गए तो इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट हो गए तो कोई एक तो बता दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, ये दोनों इक्वेशन क्या हैं? आप देख लो ना, यहाँ से थ्री कॉमन ले लो और जीरो में चला जाएगा, और बड़ा बेटे यार जमाई हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है एकदम स्पेशल ले रहे, इतना बड़ा मुँह कौन फाड़ता, भैया अंधेरा सा लग रहा था पूरा। चलो आ जाओ, तो कोई भी एक सॉल्यूशन बता दो, तो ऐसे में क्या करो, लेट एक्स की वैल्यू वन। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर एक्स की वैल्यू वन इसमें पुट करें या इसमें पुट करें? अरे भैया है तो एक ही, किसी में पुट कर दो, आंसर तो एक ही आना है, क्लियर है लक्ष्य? ठीक, तो सपोज ऊपर वाले में पुट कर दो, चलो भैया एक्स की जगह वन पुट करो, तो ये थ्री माइनस वाई बराबर ज़ीरो और वाई बराबर, तो एक सॉल्यूशन आ गया वन कॉमा ज़ीरो, पर एक निकाल के हमने दिखा दिया कि इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आपको कहीं पे डाउट हो तो आप डाउट बता दो बस कि सर ये डाउट हुआ हमें, किसी बालक को, बड्डे गर्ल डाउट है? चलिए अच्छा, अब देखो ये आ गया क्वेश्चन भैया, अब देखना यहाँ नॉर्मली बच्चे कन्फ्यूज हो जाते, पॉइंट आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? पॉइंट आ गया। पॉइंट वाले क्वेश्चन थे नॉर्मली बच्चे थोड़ा सा नफरत से करते हैं, लेकिन ये पॉइंट के बाद सीधा साधा सा है, देखना क्या है, अगर आप इसको पॉइंट को लेकर सॉल्व करोगे आंसर तो भी आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन में मिलेगा आपको, लेकिन एक चीज़ सोचो, पॉइंट का एक नंबर, पॉइंट का एक नंबर, पॉइंट हटा दो नीचे टेन टेन बढ़ेगा और सबसे सब कट जाएंगे, देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे, ये है 0.2x है, पॉइंट हटाया तो 2/10x प्लस 3/10y और 13/, ठीक एलसीएम कितना है मेरे भाई 10, ऊपर जाए 2x प्लस 3y, 10 सही हो गया। आप डाउट बताइए, क्लियर है? नॉर्मली बच्चे यहाँ गलती क्या करते, जैसे ही उन्होंने पॉइंट हटाया 2/10 आया 2/5 10 कर देते, काट देते, गलती नहीं है ये, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, हमने सोचा 10 हट जाएगा तो क्यों करें, तो ऐसे यहाँ पे मैं क्या इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y समझो कुणाल बेटे, ये बात समझ आई? सूरज और कमजोर वाला कौन है अपने यहाँ पे, सब यार क्यों दिख रहे हैं आज मुझे, सूरज शर्मा बताओ आगे, अभी करवा लेंगे ना बेटा, तुम ये भी नहीं बता पाओ पॉइंट गया कहाँ, ये 10 कहाँ से आया बताओ, हैं? ठीक ठीक चलो ठीक है, मतलब मेहनत कर रहे हो तुम, क्या कर रहे, हम नहीं कर रहे, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर, ये खुद से कर सकते हो, ठीक है, डू योर होमवर्क अड़ाव आ गई। चलिए दो क्वेश्चन वाले फर्स्ट पार्ट के, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू जीरो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो, तो चेक करेंगे हैबिट में आप लोगों की यही डालूंगा, तो चलो ए वन क्या होगा जो एक्स के आगे लिखा है रूट टू, बी वन सी वन ए टू बे टू से टू ऐसा बे टू, ठीक है चेक करो इनका डिवाइड करो, देखो ए वन अपॉन ए टू चेक करो था आप लोग कितने एक्टिव हैं, रूट टू अपॉन रूट थ्री और बी वन अपॉन बी टू चेक कर लिया था, एक बात सुनो अब इनका डिवाइड तो कभी बराबर हो नहीं सकता, क्यों ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, यस और नो, तो हम क्या लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू
डज नॉट इक्वल्स टू, तो भैया यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक जगह से एक्स की वैल्यू निकालो, जगह पुट करो। तो चलिए अच्छा देखते हैं, तो इसको ले लो चलो इस वाली इक्वेशन सेकंड को, सेकंड में से ये रूट थ्री है एक तरफ और इधर जाएगा तो रूट एट वाई, एक्स की वैल्यू आएगी रूट एट अपॉन रूट थ्री वाई। क्या चमका? अरे भैया बताओ यार, ये माइनस का था इधर गया तो प्लस का हुआ और रूट थ्री तुमने क्या कर दिया डिवाइड कर, ये जो एक्स की वैल्यू है ये फर्स्ट वाले में यहाँ पुट कर दो, ठीक आप मत करके आना ऐसे, समझाता हूँ बस केवल मैं। चलो रूट टू एक्स की जगह और ये हमारे पास है प्लस का रूट थ्री। आप ये बताइए सर हमें ये डाउट हुआ, डाउट बताओ। चलो अच्छा अब देखो इसका इसके साथ, अब एक बात ना सुनो, वाई यहाँ पे भी वाई यहाँ से, वाई कॉमन आ रहा पूरे से, वाई कॉमन आ रही है। चलिए तो रूट टू और रूट एट का मल्टीप्लाई अपॉन रूट थ्री प्लस, अरे यार हम इधर पढ़ा रहे सबके मुँह ऊपर हैं, अब हनुमान जी उनका जल्दी अंदर लो पानी नहीं। अब देखो थोड़ी देर, ये बहुत लॉजिकल चीज़ है कुणाल बेटे, देखो इधर y इसमें भी था y इसमें था, मैंने कॉमन, यहाँ पे एक डाउट बताऊँगा जो सारे बच्चों में रहता है, ठीक है समझ लेना। अब y कॉमन लेके अंदर ये बचा और ये कहाँ जाएगा, जीरो में डिवाइड में जाएगा, और जीरो में किसी नंबर का डिवाइड का आंसर क्या था, जीरो, तो y की वैल्यू क्या गई, समझो y इसमें भी था y इसमें था, मैंने y कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा और ये कहाँ जाएगा, जीरो के डिवाइड में, और जीरो में किसी नंबर का डिवाइड का आंसर क्या आता है। लेकिन डाउट सुनो बच्चों का, डाउट क्या है, डाउट सुनो बच्चों का, ये डाउट है रूट टू का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये तो रूट सिक्सटीन अपॉन थ्री वाई हो गया, ये उधर गया, बच्चे कहते सर भाई से भाई काट ना दो और गलत क्या इसमें भाई, गलत क्या इसमें कि सर भाई से भाई काट दो, तो देखो सर हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अब सुनो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर इसमें मैंने गलती क्या करी है, क्या तुम यार पहले अपडेट करो आधार कार्ड कौन सा, अरे भैया रूट थ्री ले लो मेरे भाई, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था भाई से भाई क्यों नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते प्रखर द्विवेदी बताओ बेटे, एक मिनट रुक जाओ, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कहीं ये लिखा है सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे 2x y अपॉन 3y इक्वल टू, तो क्या y से y नहीं कट जाता है, तो यहाँ y से y क्यों नहीं कटेगा, चलो तुम लोग गधे हो देखो इधर, रूट के अंदर कहाँ बेटे, बाहर है, ओए अंदर कहाँ है, बाहर है ये तो ना, अरे सुधांशु बता भाई क्यों नहीं कटेगा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें, एक दिन का मकान बन गया था से बोलते नहीं है, ये भाई से भाई कटेगा या नहीं कटेगा बताओ, इस खामोशी को हम क्या समझें। अब सुनो सारे बच्चे सुनो, ये भाई से भाई कट सकता है, इसमें सुधांशु हमने कोई मैथ्स के खिलाफ नहीं गए हैं, लेकिन सर कट सकता है फिर भी काटा क्यों नहीं, तो इसलिए नहीं काटा वाई की पावर क्या है, वन, तो वाई का एक आंसर तो आएगा, यस और नो, जितनी पावर होती उतने आंसर आते हैं ना, तो वाई की पावर बने तो वाई का एक आंसर तो आएगा, हमने वाई से वाई ही हटा दिया, हमको जैसे ये वो वाली बात हो गई, कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो बहुत से बच्चे एक एक्स से एक एक्स काट देते हैं, गलत है ना, ये काट सकते हैं ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर टू आंसर तो दो आएंगे ना, यस और नो, तो इसलिए नहीं काटते यहाँ पे, ठीक है। चलो अब चलो देखा प्यार से समझना धीरे धीरे, रूट टू का मल्टी एट में रूट सिक्सटीन और रूट सिक्सटीन फोर होता है, तो फोर अपॉन रूट थ्री वाई प्लस, अब वाई कॉमन लो यहाँ से, और ये चीज जाएगी उधर, तो वाई की वैल्यू आएगी जीरो अपॉन, तो इसका आंसर आएगा जीरो, वाई का आंसर क्या आएगा जीरो, और वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो तो एक्स भी क्या जाएगा जीरो, ठीक है रूट, क्योंकि बाइक की जगह जीरो पर एक्स भी क्या जाएगा, तो इसका आंसर आ गया जीरो जीरो, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक्स की जगह रखो जीरो, बाइक की जगह रखो जीरो, तभी जीरो मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर हम लोग कर ही चुके हैं,
सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बार। मैथ्स में जब तक बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे तब तक मैथ में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे। चलो देखो इधर बताओ। चलो अच्छा सबसे पहले इनका एलसीएम लो बेटे, क्या लो इनका, चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। एलसीएम आया 6, 2 3 जा 9x, 3 2 जा तो ये हो गया 9x, इक्वेशन 1। ऐसे भी है यहाँ पे एलसीएम ले लो डायरेक्ट, क्या आएगा 6 आएगा, 3 2 जा 2 3 जा भाई 13 अपॉन 6 6 कैंसिल हो गया, यह आया 2x माइनस 3y = क्या। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन को पकड़ो उसमें वैल्यू पुट करो, डाउट। अच्छा ये मैं पूछ रहा हूँ, जैसे प्रखर बेटे सलाह ले रहा हूँ आप लोगों से, जैसे मैंने ये 6 से 6 काट दिया, क्या बच्चों को इसमें दिक्कत होती होगी, ये बताना पड़ेगा क्यों काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब कट जाएगा, समझ जाते हैं ऐसे बच्चे लोग। शिवम शिवम चलो आज हटाओ आगे, चलो यहाँ पे ठीक है ये 6 होगा ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, ये बहुत बढ़िया गलती ढूंढनी, बहुत बढ़िया। आ जाओ तुम क्यों डर रहे बेटे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इम्पोर्टेंट लगा सकते हो उसमें। कह रहे हैं कि सॉल्व 2x प्लस 3y = 11 एंड 2x माइनस 4y = -24। पहले तो सॉल्व करो उनको, पहले हम इतना ही करेंगे बाद में पढ़ेंगे आगे का, पहले सॉल्व करो। तो चलो एक इक्वेशन को उठाओ। अब देखो सुनो, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और सब्जी से भी कर सकते हो, बट अभी हम लोग सब्जी से ही करेंगे क्योंकि अभी हम लोग 5.2 पढ़ रहे हैं। चलिए अब किसी एक इक्वेशन को पकड़ सको, इसको पकड़ो, एक्स की वैल्यू निकालो, ये इधर जाएगा और 2 का इधर क्या होगा, एक्स माइनस 3y / क्लियर है जी। ये एक्स की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, तो रखो 2x है, 2 तो ऐसे ही रख दो, एक्स की जगह 11 ठीक है जी। अब देखो ये 2 से ये 2 सही हो गया, ये बच्चा 11 माइनस 3y माइनस का 4y = -24। 11 इधर जाएगा तो किसका होता है, माइनस का, माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 7y और माइनस का 11, तो माइनस का 7y माइनस का 35, 7 5 जा तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो भैया, x की 11 माइनस 3 और ये 5/, तो माइनस 4/2 कितना गया, माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस 2 और y की वैल्यू, डाउट बताओ। लेकिन हमसे कह रहे आगे की हैंस बाद में फाइंड m, m भी फाइंड करो फॉर विच, मतलब y = mx + 3 है ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर m की वैल्यू और फाइंड करो, तो बहुत सिंपल, देखो y की जगह क्या पुट कर दो, 5, x की जगह -2 + 3, तो ये माइनस का 2m और प्लस का 3, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू माइनस, ये माइनस था ना। अब एक चीज़, हाँ एक चीज़ बड़ी छोटी है, क्लास टेंथ की लाइक नहीं 6 की है, बहुत से बच्चों का ये आया है, जैसे माइनस वाई बराबर 2 है तो मैं बच्चों से पूछता हूँ वाई क्या होगा, बच्चे कहते 2, क्यों क्यों, कारण सुनो, वो ये कहते हैं सर माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उनके दिमाग में ये, और सही भी है, माइनस इधर जाता है प्लस में होता है, पर अधूरा ज्ञान है ना ये, भैया कोई नंबर प्लस माइनस में होता है तभी तो साइन बदलते हैं, ये तो वाई का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 में डिवाइड होगा ना माइनस 1 का, तो आंसर तो -2 ही आएगा ना डियर, तो ऐसे ही यहाँ पर है, क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आप लोगों को, आप अपने डाउट बताइए कि हाँ सर इसमें ये डाउट है, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर थ्री देखते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने इंपॉर्टेंट लगा दो, क्योंकि अभी तक क्या था, इक्वेशन पहले से हमको बनी हुई मिलती थी, अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है सर। तो कह रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि पहले से इक्वेशन को फॉर्म करो, बनाओ, फिर उसका सॉल्यूशन। तो पहला देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर इनका डिफरेंस कितना है 26, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस कितना भैया। अब चलो एक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको पहले तो टू वेरिएबल के हिसाब से समझाऊंगा, इसी क्वेश्चन को वन वेरिएबल से भी समझा दूंगा नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए, जिसमें हमें कोई मेथड लगाने नहीं होगा। चलो देखते हैं, कह रहे दो नंबर है तो लेट, अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पे दो नंबर का डिफरेंस है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, डिफरेंस मतलब माइनस, माइनस क्या होता है, बड़े से छोटा, माइनस करते ना, तो दो नंबर कैसे लेट करेंगे, लेट द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर को एक्स ले लिया और स्मॉलर नंबर को हमने y ले लिया, क्लियर है। कह रहे इनका डिफरेंस कितना है 26, तो डिफरेंस मतलब माइनस, कितना आ गया डियर, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और कह रहे हैं वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर है वन नंबर और x, कोई सा भी एक नंबर ले लो, वन नंबर मान लो x ले लिया, x इज मीन्स बराबर है थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स द अदर नंबर, अदर नंबर क्या होगा, समझो ना बात को, थ्री टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर है वो दूसरे नंबर के थ्री टाइम्स के बराबर है, मतलब थ्री से मल्टीप्लाई कर दो उसके बराबर है, यस और नो, कौन सा मेथड लगाना है, यहाँ तो बना बनाए मिल गया, एक्स की वैल्यू क्या है थ्री बाई, वो इक्वेशन वन में पुट कर दो, पुट इक्वेशन वन, तो एक्स की जगह थ्री बाई, तो थ्री बाई माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 2 by equals to 26, 2 का डिवाइड होगा, y की वैल्यू क्या आ गई 30. अब हमको x भी तो फाइंड करना है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, मैं सपोज यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो x बराबर क्या 3y है, तो 3y की जगह 30, तो एक क्या आ गया 39, बड़ा नंबर कितना आ गया 39 और स्मॉलर क्या आ गया 13. अच्छा चेक भी कर लो, चेक करो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो क्या करेंगे 39 में से 13 माइनस करो, देखो 26 आ रहा है, और छोटे वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करो, 39 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है, पक्की बात है। ये मैंने कर दिया भाई, ये मैंने कर दिया टू वेरिएबल का यूज़ करके, जो आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 में ऐसे ही करके आना। अब जो बात बता रहा हूँ वो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, समझ आए तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे इसका काम होगा। चलिए अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को वन वेरिएबल में करते हैं, रिलेशन समझते हैं। कह रहे हैं एहसान तो जब कह रहे हैं एक नंबर है ना वो दूसरे का क्या है थ्री टाइम्स है, यही तो बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो एक नंबर मैंने कहा लेट फर्स्ट नंबर मैंने कहा मान लो एक्स है, तो सेकेंड नंबर 3x हो जाएगा, यस और नो। कह रहे हैं एक नंबर है वो दूसरे का थ्री टाइम्स है, क्वेश्चन पढ़ा है ना, मैं देखो भाई साहब ये मैं वन वेरिएबल से बता रहा हूँ, केवल और केवल नॉलेज के लिए, जैसे आपके कंसेप्ट के लिए रहा हूँ थोड़े से, अदरवाइज सॉल्यूशन यही है इसका। वन वेरिएबल से क्यों बता रहा हूँ, चैप्टर 4 में वन वेरिएबल है पूरा दबा के, तो आपको वन वेरिएबल से ही करना पड़ेगा। लगा दिए क्या गेट, खुला है ना, ठीक है। तो एक नंबर एक्स है, दूसरा क्या होगा 3x, कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है 26, तो पक्की बात है बड़े से छोटा माइनस करेंगे, तो 3x माइनस एक्स कितना हो गया 26, 2x बराबर 26, x बराबर क्या आ गया वो यहाँ पर आया 13, इनका यहीं पे आ गया 13, क्लियर है, वन वेरिएबल से भी हो गया। तो x की वैल्यू 13 है और ये कितना हो गया 3x, मतलब आ गया आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं वन वेरिएबल से, y को मत लो आप, क्यों, अब इससे लेंथी क्यों हुआ भाई साहब, जब दो इक्वेशन आपने बनाई हैं तो उनको सॉल्व भी करोगे फिर, इसलिए यहाँ पे एक ही इक्वेशन थी तो सॉल्व हो गया आराम से, क्लियर है जी, बताओ ना, समझ आएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपना तो सॉल्यूशन यही है, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसे हटाओ आगे जल्दी, थोड़ा जल्दी हटाओ। चलिए सेकंड देखते हैं, बड़ा शांत हो जाओ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल समझो, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो दो एंगल की बात करें सप्लीमेंट्री, तो लेट फर्स्ट एंगल
एक्स और सेकंड वाई ले लिया भैया, वाई डिग्री लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से सेवन जग जा बेटे। कह रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों में कोई एक एंगल लार्जर है, कहना का मीनिंग है दोनों बराबर तो नहीं है भाई साहब, क्योंकि दोनों 90-90 भी तो पॉसिबल थे ना, इन्होंने पहले ही बोल दिया लार्जर, तो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो मैं किसी को भी भैया बड़ा मान लेता, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं कि जो बड़ा वाला है, और पक्की बात है जो एंगल बड़ा होगा वो दूसरे वाले से तो ज़्यादा ही होगा ना, तो कह रहे हैं कि मैंने समझा कि मान लो एक्स बड़ा है, तो कह रहे हैं एक्स जो एंगल है ना वो दूसरे वाले से 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है उससे। क्या चमका, कहना एक मीनिंग है ये एंगल बड़ा है, यस जैसे मैंने कहा मेरी एज तुमसे बड़ी है, अब आप पूछोगे ना सर कितनी बड़ी है, तो मैंने कहा 10 साल मान लो, तो 10 साल बड़ा मैं हूँ ना, ठीक है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि लार्ज प्लीज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है 18 है, बड़ा ये है स्मॉलर बाई है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, ये एंगल इससे 18 बड़ा है और हमें दोनों को बराबर करना है, तो 18 इसी में तो ऐड करेंगे, यस और नो। बस इसी को अगर तुम्हें समझ आ गया पूरे 10th क्लास में कहीं दिक्कत नहीं होगी, बड़ा ये है छोटा भाई है, कितना छोटा है 18 डिग्री, तो अगर मैं इसको 18 डिग्री ऐड कर दूं क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, यस और नो। तो ऐड होगा इस वाले में ना कि इस वाले में, क्लियर है, ठीक है ना। तो एक एंगल दूसरे से क्या 18 बड़ा, तो ये हो गया। तो एक इक्वेशन होगी ये इधर आया x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन का इसमें कहीं जिक्र नहीं हुआ है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अननोन वैल्यू कितनी है 2, x और y इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन इन्होंने पूरे क्वेश्चन में एक ही कंडीशन बताई है, अब क्या करें। लेकिन भाई साहब सप्लीमेंट्री हैं तो x और y का सम कितना होगा, ये तो आपको खुद से समझना है, ये बताएंगे नहीं आपको। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इक्वेशन तो एक ही दी है इसमें, अननोन वैल्यू 2 है x और y, कैसे सॉल्व करें, तो सप्लीमेंट्री है मतलब x और y का सम क्या होगा, बस हो गया आंसर। अब बस x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, चलो तो 180 माइनस y, अब ये x की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, देखो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट किए सेकंड से, पुट करेंगे फर्स्ट में, ठीक है, इसी में पुट कर दें तो क्या फायदा, ठीक है सर। अरे बताओ ना, जैसे आपने किसी के घर से चोरी की उसी को बेचने चले गए, पकड़ जाओगे, तो यहाँ से अगर तुमने x की वैल्यू निकाली तो इसी में पुट कर दिया तो यही आ जाएगा ना, दूसरे में मैं पुट करेंगे ना, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 180 माइनस वाई, अब समझना x की जगह ये वैल्यू पुट किए, बाकी सब कुछ ऐसा ही चेप दो, माइनस वाई और 18, तो ये 180 माइनस का 2y इक्वल्स टू, अब देखो ये 180 है, ये 18 इधर आएगा तो किसका होगा, और 2y इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, 180 से भैया 18 गया तो कितना बचा, 162, और 2 से कर दो डिवाइड 81, तो y कितना आ गया भैया 81, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 81, अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो x आ जाएगा, यहाँ पुट कर तो भी आ जाएगा, कहीं पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो y की वैल्यू, इसमें माइनस तो कर ही लोगे 99, ठीक है। तो चेक कर लो, देखो बड़ा वाला एंगल इससे 18 डिग्री बड़ा है, डाउट। देखो एक चीज शायद तुम लोग गलती कर रहे हो, कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो, ये बस सोचो वीडियो बना तो आप पूछो नॉर्मल अपना, ये तो लगा देते हैं ट्राइपॉड, फायदा होगा तुम्हारे, यहाँ से भी आएंगे क्यों, पढ़ाना तो मुझे वही है, तो तुम इससे कन्फ्यूज होते, पूछा करो, तुम बताओ ना यार, पक्की बात है तुमको डाउट नहीं था, ये भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि इतने होशियार तुम नहीं हो। सूरज ऐसे बैठो, जैसे हम लोग कन्या खाते हैं ऐसे बैठो, चलो हो गया डाउट, हो गया, जब मैं कह, हाँ बोलो, एक्स इक्वल्स टू, कैसे हुआ, कह रहे एक एंगल एक्स है, ठीक है, वो दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा है, बड़ा ये हुआ कितना 18, और बीच में साइन तो बराबर का, हमने बताया ना 11th क्लास में पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज के साइन, 10th में हमको पता है हम इक्वल का ही साइन लगाना है, ये एंगल बड़ा है वाई से, तो बराबर का साइन तो लगा नहीं सकते थे, लेकिन लगाना बराबर ही है, तो 18 इसमें कर दो ऐड। मैंने कहा मेरे पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा हैं, तुम्हारे पास कम है, अगर कोई आपको 10 रुपये दे दे या मुझसे कोई 10 रुपये छीन ले, बराबर होगा ना, सेम कंडीशन यहाँ पर है, बड़ा ये है तो 18 इसमें ऐड करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे ना, बताओ पंडित चोपड़ा, ठीक है आ जाओ भैया थर्ड।
ये कह रहे हैं, अरे ये तो बच्चों वाला है, कह रहे द कोच, नहीं आगे देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 bats and 6 balls, उन्होंने भाई साहब ने 7 bats and 6 balls इतने रुपए के लिए, लेटर सी वाइज, अच्छा लड़की है कोच, सी वाइज 3 bats and 5 balls दिस, फाइंड द कोच ईच बैट एंड ईच बॉल, हर बैट के रुपए बताओ और बॉल के बताओ, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट मान लो एक्स रुपीज है और बॉल के वाई रुपीज है। अब एक बात समझना, एक बैट का एक्स रुपीज है, एक बैट कितने का एक्स का है, तो पहली कंडीशन का उन्होंने 7 bats लिए तो 7x, ये बात समझ आती ना। अगर मैंने कहा एक बैट 1000 rupees का है और आपने 7 bats लिए तो कितना, 7 × 7 = 1000 में मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक्स है तो 7x हो गया, और 6 balls लिए हैं तो 6/2 और टोटल रुपए ऐड कर दो कितना हो गया 3000। चमका। अगली कंडीशन लेटर, बाद में कह रहे हैं, फिर वो बाद में आए, उन्होंने कहा यहाँ तो बैट या सस्ते मिल रहे हैं, फिर वो दोबारा आए कोच, उन्होंने कहा 3 bats और निकाल लो तुम और 5 balls और निकाल दो तुम, उन्होंने अच्छा ले जाओ, पक्की बात है। अब यार हाँ कोई दिक्कत, अब यार यहाँ किसी एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर लो, क्यों बंस, ठीक है चलो यहाँ से निकालो x की वैल्यू, 3x - 5y, तो x बराबर क्या होगा अपॉन 3, तो x की वैल्यू ये आ गई, ये उठा के कहाँ पुट करो, टाइम यहाँ पुट कर दो, ऐसे कर देता हूँ क्योंकि लोग समझेंगे हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, चलो 7 और x की जगह ये वैल्यू, तू मेरा कोई ना, 7 का मल्टीप्लाई कर ले, देखो 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है तो करो ना यार, 0 7 × 5 = 7, 7 × 49 और 3 × 2 = 5, 7 × 7 अब एलसीएम ले लोगे, देखो नियम तो यार दीपेश ये कहता है अब मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम कहता है 10th class का, अरे एलसीएम लेना है y की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉजिक था, लॉजिक ये खत्म हो गया इक्वेशन बनाने का, ठीक है तो डू योर सेल्फ, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, डू योर सेल्फ, 50% बच्चे वो भी यही लिख लेंगे कि सर ने कोई लॉजिक वाली बात लिखी है, डू योर सेल्फ, ठीक चलो हटाए नेक्स्ट देखते, अब हटा दो कोई आके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इसमें, क्योंकि जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और टैक्सी नाम सुना तुरंत दिमाग में आया एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 class 9, बट इससे उसका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन दिमाग में हमारे वो फंस जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं, मैं इसको फील कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है कह रहे हैं द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, पहले मैंने इतना पढ़ा अब इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, देखो जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में मिलते हैं इनका मीनिंग ये है कि आप इनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझें, क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कोई भी टैक्सी वाला है उसके प्राइस बता रहे हैं कि एक तो उसका फिक्स प्राइस है, फिर उसके बाद पर किलोमीटर उसका प्राइस है, फॉर एग्जांपल तुमने टैक्सी वाले को बुलाया घर पे और तुमने से फ़ोन किया, मान लो वो आएगा तुम्हारे यहाँ पे, फिर तुमको है ओवर हीटिंग, ओ माय गॉड फटेगा तो नहीं है, तो दूर होना इतना तो कुछ नहीं होगा, सिट योर डिवाइस ओवर है, मोबाइल डाटा वाईफाई हॉटस्पॉट GPS कैमरा विल बी रिस्ट्रिक्टेड, हाँ तो देखो टैक्सी वाले पे हम लोग थे, ठीक है जैसे आपने किसी टैक्सी वाले को बुलाया अपने घर पे, फ़ोन किया कि भैया टैक्सी वाले भैया आ जाओ, तो यार वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि वो वहाँ से आया घर पे तुम्हारे पास, पेट्रोल खर्च किया ना उसने, फिर तुम आके दो कैसा लगा मेरा मज़ा तो वो चला तो जाएगा, लेकिन वो बोलेगा भाई साहब हमारे फिक्स प्राइस थे कि आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया है यहाँ तक मैं आया हूँ, उसके मालूम 50 rupees जो भी हर कंपनी के 50 rupees मेरे फिक्स प्राइस हैं, चाहे आप गाड़ी में बैठो या बैठ के उतर जाओ या बैठ के हॉर्न बजा दो, 50 rupees आपके हो गए, ये फिक्स प्राइस का मीनिंग है, किसी भी गाड़ी वाले को आपने भैया गाड़ी बुक करी वो यहाँ पे आया आप उससे कह दो भैया प्लान कैंसिल हो गया,
तो इसकी तो पेट्रोल खर्च हुए ना। तो हर कंपनी वाले अपना फिक्स प्राइस रखते हैं, फिक्स प्राइस तो आपको देना ही देना है, फिर उसके बाद हर किलोमीटर के रुपए रखते हैं, जैसे 10 रुपए 12 रुपए 15, जैसा भी आपका कंपनी का मतलब क्राइटेरिया होगा। क्या चमका? रिलेट कर पा रहे हो इसको? तो ऐसे ही एक टैक्सी वाला है, तो उसका कुछ फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस नहीं पता तो लेट फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस है उसका एक्स रुपीज। फिर उसके बाद पर किलोमीटर प्राइस है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फिक्स प्राइस और पर किलोमीटर प्राइस ले रहो। वाई रुपीज, ठीक है। इसमें पूछे देखो, बहुत सिंपल है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्स किसको लेट करें, वाई किसको लेट करें। यहाँ बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, जो पूछा गया उसी को एक्स और वाई लेट कर लो। दो चीज़ें आपसे पूछी गई होंगी, तो कह रहे हैं व्हाट आर द फिक्स प्राइस, एक्स ले लिया, एंड चार्ज पर किलोमीटर वाई ले लिया। तो अब एक बंदा इस टैक्सी से 10 किलोमीटर गया, कितना गया? अब एक बात सुनो, फिक्स प्राइस तो आपको देना ही देना है, इसमें तो कोई कंसेशन है ही नहीं, चाहे तुम एस सी हो, ओ बी सी हो, जनरल हो, कोई भी हो, इसमें कोई भी कोटा नहीं चलेगा तुम्हारा। तुमको एक्स जो फिक्स प्राइस है वो तो आपको देना ही देना है। फिर आप 10 किलोमीटर गए, हर किलोमीटर के कितने रुपए हैं? 10 के कितने हो गए? 10 वाई। तो दोनों प्राइस मिलाकर, दोनों प्राइस मिला के रुपये हो गए 105। कितने हो गए? क्लियर है? चलिए, हाँ हाँ, यस यस, यही यही यही, ये नाइन्थ वाला जो दिमाग में घुसा हुआ है ना हमारे, कि सर उसमें नाइन्थ में हम लोग माइनस करते थे, वो माइनस पता है क्या था? वहाँ पे जो फिक्स प्राइस था वो 1 किलोमीटर का था, यहाँ फिक्स प्राइस देना है तो हर किलोमीटर के अलग देना है। तो फिक्स प्राइस एक्स ही तो आपको देना ही है, इसमें तो कोई भी कंसेशन है ही नहीं। और उसके बाद हर किलोमीटर, इसमें एक भी किलोमीटर नहीं है, ये फिक्स प्राइस है, किलोमीटर कोई नहीं है इसमें, पिरखट द्विवेदी लुक फॉरवर्ड, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, और हर किलोमीटर के 10 रुपये हैं। तब आपने उसको 105 रुपये दिए। फिर उसी टैक्सी को आपने दोबारा बुक किया, आपको अच्छा लगा, आपने कहा यार अगले दिन हम 15 किलोमीटर जाएंगे, तुम ही आना। तो वही आ गया 15 किलोमीटर के x प्लस 15 वाई, कितने रुपये हो गए? 155, ठीक है। तो कह रहे भैया फिक्स प्राइस बताओ, पर किलोमीटर प्राइस बताओ, क्या कर लेंगे सॉल्व? Yes, क्या कर लेंगे सॉल्व? चलो मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ये 155 माइनस 15 वाई, यस और नो? और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, एक्स की जगह पुट कर दो, 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई इक्वल टू 105, और ये उधर जाएगा 150, ये होगा माइनस का 5 वाई। क्या मैं फास्ट तो नहीं कर रहा हूँ? माइनस ही तो कर रहे हैं यार, 155 में से 5, 105, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? वाई की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब पर किलोमीटर प्राइस कितना है? 10 रुपये। अब एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। चलो तो एक्स वाला 155 माइनस 15 इंटू 10, 155 माइनस का 150, मतलब 5 रुपये। मतलब फिक्स प्राइस कितना था? 5 रुपये था, और वाई और हर किलोमीटर का कितना रुपये चार्ज कर रहा है? 10, ठीक है। और चेक भी कर सकते हो, 10 किलोमीटर गया तो 10 × 10 100, और 5 तो देना ही है, 105 हो गए। फिर आगे क्या कह रहा है कि इसी टैक्सी से, उन्हें टैक्सी वाला बड़ा पसंद आया, कह रहे तुम्हीं को भाई लेके चलेंगे हम, कह रहे अगली बार 25 किलोमीटर जाएंगे। कितना जाएंगे? तो कह रहे कितने रुपये भाई साहब? 100 देना ही है, और 25 वाई। टैक्स की वैल्यू कितनी डियर? 5। वाई की वैल्यू, मतलब अब आप उसने कितने रुपए दोगे? क्या चमका? जल्दी दादा हटाओ, जितना जल्दी हो सके। चलो इसे हटाएं, क्या अगला कुछ साइड में करते हैं, फिर दोबारा ओवरहीटिंग ना आ जाए। चलो चलिए देखिए नेक्स्ट, कहने अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड, पढ़ लिया, फाइंड द फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन में दो चीज़ें अननोन होती, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो लेट न्यूमरेटर एक्स और डेनोमिनेटर वाई, तो फ्रैक्शन क्या होगी भैया? एक्स अपॉन वाई, यस और नो? चलिए, कह रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है, कब? जब 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और क्या चमका, ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 का मल्टीप्लाई वाई में 9 वाई, और 9 का ही 2 में 18, 11 का x में 11x प्लस
चलो ये इधर लेके आ जाओ या, तो 9y माइनस 11s और 22 माइनस मतलब 4 आ गया। तो चलो 9y ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। अगली कह रहे हैं इसी में कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ, अगर 3 ऐड कर देते हैं दोनों में मतलब x प्लस 3 और तब ये कितनी हो जाती है 5 अपॉन 6। तो कह रहे हैं फ्रैक्शन बताओ, करो क्रॉस मल्टीप्लाई दबा के, तो ये 6x क्लियर है, तो 6x माइनस का 5y और 15 माइनस का 18, तो 6x और माइनस का 5 भी कितना है माइनस का, आगे भैया दो इक्वेशन पक्की बात है। क्या x और y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं अब? ठीक है, यहाँ से x निकालो, यहाँ पुट कर दो वही सब आएगा और यहाँ पुट कर देना। इक्वेशन बनाना इसमें थोड़ा सा है कठिन, बाकी वैल्यू पुट करना तो सिंपल है। चलो लास्ट बचा हुआ है कर देते हैं, आ जाओ बेटा कोई एक बात जल्दी हटा दो जितना जल्दी हो। चलिए लास्ट है, कह रहे हैं भैया 6 क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं 5 ईयर हैंस, जैसे ही हैंस आ जाए मतलब 5 साल बाद की बात कर, हैंस का तो बाद की बात करें, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, क्या बोलना भैया? हाँ थोड़ी बहुत आ रही होगी, हाँ हाथ में दो, आने दो, लाइट है तो आएगी हम सो सकते हैं गोरे दिख जाए, ये पॉजिटिव चीज है हमारे लिए, क्यों सूरज एक तो सुनो छोड़ो, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, और 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले की बात करें तो जैकब के पिताजी अपने बेटे से कह रहे बेटा हम तुमसे 7 गुना बड़े थे, तो लड़का कह रहा तुम क्या करें, तो कह रहे हैं हमारी उम्र बताओ, तो जैकब की एज बताओ, उनके बेटे की एज बताओ, तो लेट एज ऑफ जैकब कौन सा कब, मान लो जैकब भैया एक्स ईयर्स के हैं और उनका जो सन है बेटा है वो वाई ईयर्स का है, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है 5 ईयर हैंस, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब आफ्टर 5 ईयर्स। अब एक बात सुनो, 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस 5 और सन की भी एज यही होगी, होगी ना, क्योंकि 5 साल बाद दोनों ही तो 5-5 बढ़ेंगे, ऐसा नहीं पिताजी है तो वो 6 बढ़ जाए बेटा है तो 4 रह जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों बराबर बराबर, इसमें कोई कंसेशन नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं इनके पिताजी 5 साल बाद द जैकब एज बिल्कुल 3 times, अपने बेटे से कह रहे हैं 5 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा, 3 गुना बड़ा होऊंगा, बड़े कौन होंगे पिताजी 3 times, तो मल्टीप्लाई किसमें होगा बेटे में, तभी तो दोनों बराबर होंगे, तो पिताजी की एज एक्स प्लस 5 बेटे की एज वाई प्लस 5। एक बात सुनो, क्या दोनों की एज बराबर हो सकती है, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बेटे में कर देंगे बराबर करने के लिए, ठीक है ना, तो एक्स प्लस 5 3y प्लस 15 ये इधर आएगा, एक्स माइनस 3y तो एक्स माइनस 3y कितना हो गया डियर 10। पहली क्वेश्चन आ गई, फिर उनके पिताजी कह रहे हैं 5 साल एगो 5 साल पहले, सूरज बेटे बहुत पढ़ जाओगे, 5 ईयर्स एगो 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी डियर एक्स माइनस 5 और सन की एज क्या होगी, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 5 साल पहले तो सर इसमें से माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने कल भी बताया था जब कोई भी नई कंडीशन आती है या अप्लाई होती है तो प्रेजेंट से ही स्टार्ट होती है, यहाँ से नहीं होती है, तो कह रहे हैं कि 5 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times होऊंगा, 7 गुना बड़े होंगे, बड़े कौन होंगे पिताजी, तो मल्टीप्लाई किसमें होगा पुत्र में, किसमें होगा पुत्र में, ठीक है, तो भैया यहाँ लिख देते हैं 7y माइनस 35, तो ये x माइनस 7y ये इधर जाएगा, तो माइनस का 35 प्लस का 5 माइनस का बन गई दो इक्वेशन। अब यार यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, यहाँ से x निकालो तो इधर जाएगा प्लस का 7y माइनस का 30, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो भैया, इस वाले में पुट कर दो x की जगह, तो x की जगह 7y माइनस 30 और वो क्या माइनस का 7y से 3y गया तो 4y माइनस 30 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 40, चार धाम 40, पुत्र कितने का आ गया 10 साल का, लड़का कितने का भी उनका मतलब 10 साल के बेटे से इतनी लॉजिकल बातें कर रहे हैं, फिर कहते हैं बच्चे इरीटेट होते हैं 10 ईयर्स, बच्चा कितने का हो गया 10 साल का,
ठीक है। अब पिताजी की एज पता कर दी, भैया यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, चलो भाई की जगह 7 में 10 करो, 70 70 30 गया 40। पिताजी कितने के भैया? 40 के। क्या चमका, सही है ना? ये देखो, मैं थोड़ा सा एक चीज़ पता हूँ, मेरे अंदर ना लिखने की हैबिट वो नहीं है बहुत बढ़िया तरीके से लिखने का, कंसेप्ट को आप समझते चलो बस, ठीक है ना। मतलब बहुत सी चीज़ें होते हैं, मैंने खुद देखा, बड़ा जेन्युइन तरीके से लिखेंगे, जैकब को सजाएंगे, सन को बहुत बढ़िया तरीके से लिखेंगे, बट आप, मुझे ऐसा लगता है एज अ मैथ टीचर कि आपको ये सब कंसेप्ट आने चाहिए, कोई आर्ट की नहीं हमको करना प्रैक्टिस। डाउट तो नहीं, देख लो एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लेना, फिर भाग जाओ चलो।